तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे कि सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, डेफिनेशन देखी थी सॉल्यूशन की, दैट सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, है ना. वन कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूट एंड सेकंड कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखा तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देखा, टोटल 9 टाइप के अपने पास सॉल्यूशन है. और उसके साथ अपन ने देखा कि इस चैप्टर में अपन जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में. लिक्विड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में होगा और जो सॉल्यूट है वो मे बी लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है और सॉलिड हो सकता है ना. तो 3 टाइप के सॉल्यूट हो सकते हैं, सॉल्वेंट आपके पास ओनली क्या रहेगा, लिक्विड. उसके बाद अपन देख रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर बात करें तो ये सब चीजें अपन 11th में मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं. कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कल अपन डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज के बारे में. इसके बारे में परसेंटेज के बारे में परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में अगर देखें तो टोटल 3 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स होती है. फर्स्ट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, सेकंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना. वेट बाय वेट परसेंटेज में अपन ने देखा क्या था कि दैट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100. एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में अपने पास क्या था, दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों ही अपने पास ml में रहेंगे, मल्टीप्लाई किससे करना था, 100 से. तो ये तो अपने पास था परसेंटेज कि आपको कहते हैं कि 20% वेट बाय वेट इथाइलिन ग्लाइकोल है, 20% वेट बाय वेट इथाइल ग्लाइकोल है, सॉरी इथाइल एल्कोहल है, या 49% वेट बाई वेट आपके पास H2SO4 है. तो परसेंटेज क्या होगी, गिवन है वो परसेंटेज वेट बाई वेट है, मीन्स कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही आपके पास किसमें प्रेजेंट है, ग्राम में. वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है तो सॉल्यूट तो आपके पास किसमें रहेगा, ग्राम में, और सॉल्यूशन आपके पास किसमें रहेगा, ml में. और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है तो बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन द ml, यानी कि दोनों ही आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, ml में प्रेजेंट होंगे. तो ये फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म थी अपने पास परसेंटेज. अब अपन डिस्कस करेंगे वैसे मोल के बारे में, अगर ज्यादा मैं आपको बताऊंगा तो गलत है ये, क्योंकि बिकॉज अपन 11th में सब चीजें सीख के आए कि देख व्हाट इज मोल, है ना. तो भी थोड़ी बात एक बार मोल का फॉर्मूला देख लेते हैं, कॉमन फॉर्मूला जो आता है मोल का, कि देट व्हाट इज मोल. तो मोल है क्या, ये मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला. अगर देखें मोल का तो अपने पास क्या आता है, दैट वेट इन ग्राम अपॉन अपने पास क्या आएगा, दैट मॉलिक्यूलर वेट, और अगर कोई एटम हो तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट. ये मोल का एक फॉर्मूला आता है अपने पास, अगर आपको पता हो. कि सर मोल है क्या, कईयों को आज भी 12th में भी डाउट होता है, 11th से नहीं होती ना, तो 12th में भी डाउट होता है कि सर व्हाट इज मोल, कि मोल है क्या. तो मोल अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबर का जो ग्रुप है उसको अपन क्या कह देते हैं, वन मोल कह देते हैं. और आपको पता है दैट वन मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, वन मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, मीन्स आपके पास क्या होगा, 6.023 × 10³, ये आपके पास वन मोल होता है. इसको अपन Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, है ना. वन मोल हमेशा इसके इक्वल रहता है. अब इसके ही कुछ और फॉर्मूले आ जाते हैं जो इस चैप्टर में पहले अपन ने देखे थे, दैट इज मोलेरिटी हो गया, मोलेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया. ऑल दीज आर कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि मोल फ्रैक्शन जो है वो भी आपके पास कंसंट्रेशन टर्म होती है, मोलेरिटी है वो भी आपके पास कंसंट्रेशन टर्म, मोलेलिटी है तो भी कंसंट्रेशन टर्म, और नॉर्मेलिटी है तो भी आपके पास क्या रहेगी, कंसंट्रेशन टर्म. तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स वापस आती है जो अपन 11th में देखे हैं. तो उसका फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो है लिक्विड सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं.
इधर सेकंड अपने पास जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या आती है, वो आती है अपने पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन लेते, किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का ही अपन क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, दैट मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें से किसी एक के मोल। अब किसका कैलकुलेट करना, अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है तो यहां आ जाएगा देख मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अगर आपको मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देख मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, है ना। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है देट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा देट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन स्टैंड फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एन स्टैंड फॉर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये तो आपके पास किसका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर यही अगर अपन सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट करें फॉर सॉल्वेंट तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा टोटल। आपको पूछे मोल फ्रैक्शन की वो यूनिट, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो अपने पास क्या रहती है यूनिटलेस होती है, मोल फ्रैक्शन जो है वो अपने पास क्या रहता है यूनिटलेस रहता है, बिकॉज ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, नंबर ही है ओनली, तो कोई आपके पास इसकी यूनिट नहीं होगी। ओके अब आपको कहते हैं कि भैया कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, हो सकता है टू कंपोनेंट हो सकता है थ्री हो फोर हो फाइव हो सिक्स हो, बहुत सारे कंपोनेंट हो, तो उसमें हमेशा क्या है याद रखिएगा कि जितने भी कंपोनेंट हैं उसके मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा क्या रहता है वन रहता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा क्या रहता है वन रहता है। मीन्स कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होगा वन होगा, है ना, हमेशा क्या रहेगा आपके पास वन रहेगा। तो ये अपने पास क्या था मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स आती है अपने पास वो कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है, मोलेरिटी, वो कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है अपने पास मोलेरिटी। अब मोलेरिटी की बात करें कि मोलेरिटी को डिफाइन करना है ना, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं वन मार्क में डिफाइन मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नॉन एज मोलेरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नॉन एज मोलेरिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसमें लोगे आप लीटर। अगर किसी क्वेश्चन में कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो गिवन है एमएल में, तो अपन क्या करेंगे दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये आपके पास ml में गिवन है तो मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 1000 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 से, क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो अपन 1000 में 1000 से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मींस आपके पास वॉल्यूम आपके पास किस में आ रहा है, लीटर में। अब इसके यूनिट की बात करें, है ना, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कभी आपके पास एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आ जाए मॉडर्निटी पे, अगर आप उसके यूनिट नहीं लगाते तो फिर आपके पास वो जो है उसके मार्क्स कट होते हैं। तो मोलरिटी की यूनिट क्या आ जाती है अपने पास, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये अपने पास क्या आ जाती है, इसकी यूनिट आ जाती है। इंपॉर्टेंट बात ये जो वन मार्क के क्वेश्चन में आती है कभी कभी, कि मोलरिटी जो है वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती, डिपेंड ऑन मोलरिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कि सर कैसे डिपेंड करती है, तो अपने पास एक आइडियल गैस इक्वेशन थी लास्ट ईयर, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना, आपके पास एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और अगर प्रेशर भी अपन क्या कर दें, कांस्टेंट ले लें, मींस एट कांस्टेंट प्रेशर आपके पास क्या रहेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी। अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम जो है वो भी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो इंक्रीज, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर इंक्रीज होगा तो मोलरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या रिलेशन आता है, एन अपॉन वी। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मोलरिटी अपने पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करते हो तो सॉल्यूशन की मोलरिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो टेम्परेचर चेंज करने पर मोलरिटी भी चेंज होती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो ये आपके पास सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म आ गई, वो कौन सी थी, मोलरिटी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक हमेशा ध्यान रखना डाइल्यूशन लॉ चलता है, जो डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, डाइल्यूशन लॉ, है ना, डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, दैट एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू, एम वन वी वन इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आता है, एम टू वी टू। M1 मान लीजिए कि आपको कोई सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है, V1 आपको पास उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, आपको M2 मींस कंसंट्रेशन जो है वो पहले कुछ और थी, अब कुछ और करनी है, तो कितना वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको अपन कौन सा लॉ कहते हैं, डाइल्यूशन लॉ। कि मान लीजिए कि पहले कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी आपके पास 6 है, वॉल्यूम उसका आपने 10 ml लिया है, अब उसकी मोलरिटी आपको 5 करनी है, तो वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, तो V2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 × 10 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, 5, तो V2 इक्वल्स टू अपने पास कितना आ जाएगा, 12 ml, तो मींस आपको उसमें 12 ml वाटर ऐड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस लॉ को अपन कौन सा लॉ कहते हैं, डाइल्यूशन लॉ, दैट इज M1V1 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आता है, M2V2। ओके, तो ये अपने मोलरिटी हो गई। नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पर, बच्चों क्योंकि ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है तो सॉल्यूशन की जितनी भी कंसंट्रेशन की टर्म्स है वो अपने को आनी चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में आगे वही आएगी, कंसंट्रेशन टर्म आएगी, कौन कौन सी यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज मोलेनिटी, मोलेनिटी, मोलेलिटी, इससे पहले क्या था आपके पास, मोलेरिटी था, अब अपने पास क्या है, मोलेनिटी। मोलेनिटी का मीनिंग क्या हो गया, मोलरिटी तो क्या थी, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना,
number of moles of solute which are present in unit volume of the solution is known as capital M, molarity, है ना। अब अपन देख रहे हैं molality, molality क्या होती है, number of moles of solute which are present in unit weight of the solvent, which are present in 1 kilogram of the solvent, known as molality. तो यूनिट वेट में, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट में आपके पास कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसको अपन क्या कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एम से, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या आएगा, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kilogram, moles of solute upon weight of solvent in kilogram, या फिर molality is equals to moles of solute upon weight of solvent, अगर ग्राम में गिवन हो तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आपके पास मोलेलिटी। अब मोलेलिटी आ जाए, क्वेश्चन आ गया विच वन इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, फर्स्ट ऑप्शन आ गया मोल फ्रैक्शन, सेकंड आ गया मोलेलिटी, थर्ड आ गया मोलेलिटी, फोर्थ आ गया ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन आ गया विच वन ऑफ द डिपेंड ऑन टेम्परेचर, विच कंसेंट्रेशन टर्म इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कैपिटल एम आ गया, सेकेंड ऑप्शन आपके पास स्मॉल एम आ गया, थर्ड ऑप्शन आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया, है ना, मोल फ्रैक्शन आ गया, और फोर्थ आ गया आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो ये मत सोचना कि सारी कंसेंट्रेशन टर्म जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मोल फ्रैक्शन नहीं करता, बिकॉज वहां पे वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अपने पास क्या था, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, कहीं पे भी आपके पास वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मोलेलिटी की बात करें तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे भी आपके पास कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट उसी कंसेंट्रेशन टर्म्स पे होगा जहां पे आपके क्या आता है, वॉल्यूम आ रहा है। अब जैसे मोलेरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर से इफेक्ट करेगा, तो आपके पास कौन सा आंसर हो जाएगा, मोलेरिटी। मोलेरिटी इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, नॉट मोलेरिटी, नॉट मोल फ्रैक्शन, और नॉट ऑल ऑफ दिस, है ना, तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल एम जो है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके तो ये आपके पास थर्ड कंसेंट्रेशन टर्म थी, दैट इज मोलेलिटी। रिलेशन इसमें ज्यादा नहीं पूछते हैं आपको, क्या है, सिंपल से क्वेश्चंस पूछेंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने को वो क्लियर होने चाहिए, है ना। मोलेलिटी तक हो गया, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए अपना। Next topic is normality capital N, normality, है ना। होता क्या है normality, जैसे molality था, क्या था molality अपने पास, that number of moles of solute upon volume of the solution, number of moles of solute which are present in the unit volume of the solution or 1 liter of the solution, known as molarity. वैसे ही normality क्या आता है, capital N is equals to that number of gram equivalent of solute upon
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन ml, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, थाउजेंड्स। ये आपके पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम आ रहा है तो नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, है ना, कि जैसे मोलरिटी डिपेंड करती थी वैसे नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिकॉज वहां पे भी फॉर्मूले में क्या आ रहा था, वॉल्यूम, और यहाँ पे भी फॉर्मूले में क्या आ रहा है, तो जहां पर फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है वो जो है कंसंट्रेशन टर्म जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और जहां पे वॉल्यूम नहीं आता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, है ना। वहां पे अपने पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे अपने पास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या है अपने पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मोल्स है, मोल्स को आपने कैसे कैलकुलेट करा, कि दैट मोल्स इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन अपने पास क्या था, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, अगर कोई एटम है तो एटॉमिक वेट आ जाता है, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो अपने पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, दैट ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन अपने पास क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम अपॉन क्या आ जाता है अपने पास, इक्विवेलेंट वेट। वहां पे क्या था, जब मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है यहां पे तो उसको अपन क्या कहते हैं, मोल्स, और जब इक्विवेलेंट वेट आ जाता है तो उसको अपन कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन क्या आएगा अपने पास, इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो उसके लिए कैसे इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि कैसे अपन इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट किसी का भी कैलकुलेट करना हो कि दैट इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना, तो अगर आपके पास कोई एटम आ जाए तो अपन क्या करेंगे, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंस, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, कि अपने को एटम का, जैसे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना, 16, वैलेंसी कितनी, 2, 16/2, यानी कि इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 8। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं कि दैट व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना, 24, वैलेंसी कितनी उसकी, 2, तो 24/2 करेंगे तो अपने पास इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 12। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 27, वैलेंसी कितनी होती है, 3, 27/3 करा अपने पास क्या आ गया, 9 आ गया, तो 9 क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया एल्यूमिनियम। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक वेट पता है, उसकी वैलेंसी पता है, तो आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंस। अब अगर आपको एटॉमिक वेट ही फाइंड आउट करना हो किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंस, इक्विवेलेंट वेट इज मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी, तो उससे अपना क्या आ जाता है, एटॉमिक वेट। इक्विवेलेंट वेट गिवन है, वैलेंसी गिवन है, अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एटॉमिक वेट फाइंड आउट। तो ये तो अगर आपके पास कोई एटम आ जाए, तो अदरवाइज कोई एसिड आ जाता है, कोई बेस आ जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं,
कोई एसिड आ गया या फिर आपके पास कोई बेस आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड आ गया अगर आपके पास, लेट एसिड का इक्विवेलेंट वेट बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपके पास एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, उसमें आप क्या करें मॉलिक्यूलर वेट में आप डिवाइड करते हैं किसका, बेसिसिटी का, मॉलिक्यूलर वेट इज डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। सर व्हाट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एच प्लस आयन विच कैन बी रिमूव्ड, विच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी एसिड, वो आपके पास क्या होती है, बेसिसिटी। तो कोई भी आपके पास एसिड आ जाए, एसिड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना हो तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, दैट नंबर ऑफ एच प्लस आयन विच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी एसिड, किसी भी एसिड में से कितने एच प्लस आयन आप रिमूव कर सकते हो वो उसकी क्या हो जाती है, बेसिसिटी हो जाती है। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि आपके पास HCl आ गया तो HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, 1। आपके पास HNO3 आ गया तो HNO3 की बेसिसिटी आपके पास कितनी होगी, 1, बिकॉज आप एक ही H प्लस आयन रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास H2SO4 आ गया तो आपके पास बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। आपके पास H3PO4 आ गया तो H3PO4 आएगा तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। आपके पास H3PO3 आ गया तो H3PO3 आने पर उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी अपने पास, 2। कि सर ऐसे कैसे, आपने तो कहा था कि नंबर ऑफ एच प्लस आयन, तो नंबर ऑफ एच प्लस आयन मैंने ये तो नहीं कहा ना कि दैट नंबर ऑफ एच प्लस आयन प्रेजेंट इन एनी फॉर्मूला इट इज द बेसिसिटी ऑफ एनी एसिड, ऐसा तो नहीं कहा। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ एच प्लस आयन विच कैन बी रिमूव, किसी भी एसिड में से कितने एच प्लस आयन आप बाहर निकाल सकते हो उसको अपन क्या कहते हैं, उसकी बेसिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 ही निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 निकाल सकते हैं, उसका रीजन भी मैंने बताया था कभी आपको कि दैट स्ट्रक्चर देखिएगा H3PO4 की, कि ये H3PO4 की स्ट्रक्चर होती है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, 3, 1, 2, 3, है ना, इस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1, 2, 3। तो ये तीनों जो एच प्लस आयन रिमूव हो सकते हैं, बट H3PO3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास OH, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास OH, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास H। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, तो सर 1 and 1, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी जाएगी आपके पास, है ना। जनरली जो है जितने H प्लस आयन है उतने ही बाहर निकलते हैं, तो जितने H प्लस आयन होंगे उसी को उसकी बेसिसिटी कहेंगे। बट कुछ एक्सेप्शन केस आ जाते हैं, जैसे आपके पास H3PO3 आ जाए, है ना। अब अगर आपके पास ऑक्सैलिक एसिड आ जाए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज COOH COOH.2H2O, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो कितने एच प्लस आयन बाहर निकलेंगे, कि सर बाहर कोई कोई 4 निकाल देगा, कोई 6 निकाल देगा, अपने को 2 ही निकालने, क्योंकि एसिड के फॉर्मूले में से देखने कि एसिड के फॉर्मूले में से कितने एच प्लस आयन बाहर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे एच प्लस आयन बाहर निकाल देंगे अपन, है ना। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड में से क्या होगा, 2 एच प्लस आयन बाहर निकलेंगे। तो आप कोई भी एसिड आ जाए, उस एसिड का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना हो, देन द फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, बेसिसिटी। और मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड आउट करना आता ही है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऐसे ही अपने पास अगर कोई बेस आ जाए, दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो बेस का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, एसिडिटी आ जाएगा। एसिडिटी मींस कि दैट नंबर ऑफ OH माइनस आयन
which can be removed. From any base, किसी भी बेस में से कितने OH माइनस आयन आप रिमूव कर सकते हो, वो उसकी क्या होगी एसिडिटी. लाइक अपने पास आ गया NaOH, तो बेसिसिटी कितनी होगी 1. लाइक अपने पास आ गया KOH, तो बेसिसिटी कितनी होगी 1. आपके पास आ गया MgOH होल ट्वाइस, तो बेसिसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी 2. है ना. तो कोई भी अगर एसिड हो तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी. और कोई भी अगर आपके पास बेस हो तो इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी एसिडिटी. क्लियर है आई थिंक आपके यहाँ तक, दैट इक्विवेलेंट वेट वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर है. ये हमेशा ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर कोई एटम आ जाता है देन एटॉमिक वेट अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, उसकी वैलेंसी. एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी. एसिड का कैलकुलेट करना हो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, और उसका करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी. बेस का करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, एसिडिटी आ जाएगी. ओके. डाइल्यूशन लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होता है, डाइल्यूशन लॉ अप्लाई होता है. रिलेशन भी देखते हैं यहाँ पे, देख छोटा सा रिलेशन है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में. देख व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी. नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी रिलेशन क्या है, हमेशा ध्यान रखना दैट n इज इक्वल्स टू x इंटू m. इट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी. n इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय m. x इज एसिडिटी और बेसिसिटी. x इज एसिडिटी और बेसिसिटी. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास कौन सा एसिड है या कौन सा बेस, उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू डिपेंड करेगी. अगर आपके पास H2SO4 है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी. अगर HCl है तो x की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी आपके पास, कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस. तो ये अपने कंसेंट्रेशन टर्म्स मैक्सिमम हो चुकी है. एक कंसेंट्रेशन टर्म और रही है ppm पार्ट्स पर मिलियन, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन, है ना. और उसके साथ कल जितने भी अपन ने कंसेंट्रेशन टर्म करी है उस पर एक एक क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद अपन लिक्विड सॉल्यूशन की तरफ आगे चलेंगे. ओके, मिलते हैं कल की क्लास में. थैंक यू.